देखेंगे। सबसे पहले खबर पेपर लीक से संबंधित, जहां पर पेपर लीक पर मोहन सरकार अब फैसला लेने जा रही है, सख्त कानून बनाने जा रही है मोहन सरकार। आपको बता दें 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लग सकता है, 10 साल की सजा का प्रावधान हो सकता है और कानून बनाने के लिए सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है। संगठित अपराध पाए जाने पर सजा बढ़ेगी, गैर जमानती धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम खबर पेपर लीक से जुड़ी हुई, जहां पर अब सरकार ने अध्यादेश, आपको बता दें सरकार ने अब ड्राफ्ट तैयार कर लिया है, कानून बनाने के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा सकती है सरकार, 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, सख्त कानून बनाने की तैयारी में है मोहन सरकार। आपको बता दें पेपर लीक पर मोहन सरकार अब फैसला लेने जा रही है। यूपी की तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक से संबंधित गड़बड़ियों को रोकने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा, 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। आपको बता दें इस वक्त की खास और अहम और बड़ी खबर है, कानून बनाने के लिए तैयार कर लिया गया है ड्राफ्ट, और संगठित अपराध पाए जाने पर सजा को बढ़ाया भी जा सकता है, गैर जमानती धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। चलिए ब्यूरो चीफ धर्मेंद्र सिंह जुड़ गए हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, यूपी की तर्ज पर जिस तरह से आप मध्य प्रदेश में भी अब पेपर लीक मामले को सख्ती से इससे निपटने के लिए तैयारी कर ली गई है, अब 1 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया जाएगा और 10 साल की सजा का प्रावधान होगा, सर कब तक ड्राफ्ट तैयार होगा, कब तक ये सारे नियम लागू हो जाएंगे? सानिशा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से पेपर लीक की घटनाएं हाल के दिनों में बढ़ी हैं, चाहे वो राज्य में हो या एनटीए जैसी एजेंसी जो परीक्षा कराती है वहां से भी अगर पेपर लीक की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो ये छात्र हित में कहीं भी सही नहीं है, क्योंकि छात्र पूरी मेहनत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे साल भर परिश्रम करके, तैयारी करके अपनी परीक्षाएं देता है और परीक्षा हॉल से जब बाहर निकलता है तो उसे पता लगता है कि उसका पेपर आउट हो चुका है, तो उसके कहीं ना कहीं जो एक मनोस्थिति पर, उसके मानसिक पर बहुत सारे दबाव पड़ते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाला है कि वो किसी अच्छे घर से है, उसके लिए वो एक साल का समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ऐसे में अब इस ऐसी परीक्षाओं को निष्पक्ष कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है, उस एजेंसी की होती है कि जिसको राज्य सरकार ने परीक्षा के लिए जिम्मेदार माना है, अगर वहां से कोई त्रुटि होती है तो जिम्मेदार भी वही होगा। ऐसे में ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने पेपर लीक को लेकर एक कुछ कड़े नियम बनाए हैं, और ये नियम इस तरह के हैं कि अगर कोई भी एजेंसी है या कोई भी जिम्मेदारी कार्रदायी एजेंसी है वो इसमें पेपर लीक में अगर दोषी पाई जाती है तो 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, 10 साल तक की सजा का प्रावधान है, और इसको इसका ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया गया है। पहले ये हो रहा था कि मानसून सत्र में विधानसभा के जरिए इसको हम कानून के रूप में लाएंगे, लेकिन अब इसे ड्राफ्ट को अध्यादेश के रूप में हम इसको लाने की बात हो रही है। विधि विभाग के पास में इसको ड्राफ्ट को भेज दिया गया है, विधि विभाग इस पे जांच करेगा, इस पे अपनी राय रखेगा और उसके बाद में फिर राज्यपाल की सहमति से इसको तुरंत लागू कर दिया जाएगा। तो अभी 2 दिन पहले ही यूपी में भी इसी तरह का एक ड्राफ्ट बनाया गया, अध्यादेश बनाया गया, जिसमें उम्र कैद तक की सजा और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है, तो उसको छात्रों ने काफी सराहा था, क्योंकि न्यूज वर्ल्ड ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और जो भोपाल के जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, परीक्षार्थी हैं, उन्होंने सीधे सीधे कहा था कि मध्य प्रदेश सरकार को ऐसा कानून लाना चाहिए, और ऐसे में 2 दिन बाद में इस तरह की एक बड़ी खुशखबरी छात्रों के हित में मिलने जा रही है कि ऐसा ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्दी इस तरह का कानून आएगा। जी सानिशा, देखिए छात्रों के हित से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर हम बात करें ये संगठित अपराध है जहां पर सजा जुर्माना अधिकतम होगा, पर सर आपसे जानना चाहेंगे कि अब जब ये अध्यादेश जारी होने वाला है कितना समय इसको लागू करने में लगेगा, और ये भी जानकारी मिल रही है कि अगर जो इसमें अपराधी पाया जाएगा उसकी संपत्ति भी जब्त होगी, उसके अनुसार परीक्षा की आनुपातिक लागत भी उसी से वसूली जाएगी। जी बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें इस एक्ट में सारे प्रावधान किए गए हैं, सारी परीक्षाओं को शामिल किया गया है, इसमें बोर्ड परीक्षा से लेकर सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल किया गया है, इसका दायरा बहुत बड़ा है, क्योंकि पूरी तरीके से ना सिर्फ पेपर लीक लोग को रोकना है बल्कि सर्विस प्रोवाइडर, परीक्षा केंद्र या किसी भी स्तर पे अगर गड़बड़ी पाई जाएगी तो उसमें उसको दोषी पाया जाएगा और उसके खिलाफ में इस तरह की कार्रवाई होगी, और यहाँ तक कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर होता है, सर्विस प्रोवाइडर
के कई काम होते हैं, वो परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचाने से लेकर जो भी कंप्यूटर पहुंचाना, जो भी संसाधन पहुंचाने होते हैं, वो उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरीके से गोपनीय रूप से पहुंचाएगा और उसमें किसी भी चीजों की कोई लीक नहीं होगा। अगर वहां से कोई व्यक्ति या सर्विस प्रोवाइडर दोषी पाया जाएगा तो उससे पूरे परीक्षा का जो भी खर्च होगा वो भी उससे वसूला जाएगा। फिलहाल में जो स्कूली इसको स्कूल शिक्षा विभाग के तरफ से इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया, उसी के माध्यम से लागू किए जाने की भी तैयारी है। तो जिस हिसाब से विधि विभाग के पास भेज दिया गया है तो ये निश्चित तौर पे कहा जा सके अगले एक सप्ताह के अंदर ही इस कानून को लागू कर दिया जाएगा, इस अध्यादेश को लागू कर दिया जाएगा। तो एक यहाँ भी जो नकल रोकने या पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। नरमन सर, कितना कारगर होगा यह अध्यादेश, कितना लागू करने के बाद कितनी राहत छात्रों को मिलेगी, ये तो जब पेपर होंगे उसके बाद ही समझ में आएगा। पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस पूरे अध्यादेश को, इस पूरे ड्राफ्ट को और इस पूरी तैयारी को कितने बड़े अधिकारी अपनी नजर में रखेंगे, कौन से लेवल के अधिकारी इसकी जांच करेंगे? देखिए, इसमें जो ड्राफ्ट बनाया गया है और उसके हिसाब से तो जिम्मेदारी तो किसी भी परीक्षा जो होती है तो उसमें जिम्मेदारी तो सारे बड़े अधिकारी जो आईएएस लेवल के अधिकारी होते हैं, चाहे इसमें सचिव लेवल के अधिकारी होते हैं, तो इसमें सरकार के ऊपर से नीचे तक सबकी जिम्मेदारी तय होती है। क्योंकि अभी तक जितनी भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं वो ज्यादातर ऊपर से नहीं बल्कि नीचे के स्तर से कहीं ना कहीं एक साठगांठ या लीक पाया गया है उस तरह से है। तो पहले भी ऐसा ही हुआ था, अभी कुछ दिन पहले ही राजधानी भोपाल से ही उत्तर प्रदेश में आरओ की परीक्षा का पेपर यहाँ से छपा था और लीक हुआ था। तो उसमें जो प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारी ही शामिल पाए गए हैं और उसमें वो परीक्षा के पेपर को, जो वो परीक्षा के पेपर छपते थे उसमें जो रद्दी निकलते थे और उसको वो बोतल में, उसमें जो रद्दी की बोतल होती है, अनयूज्ड बोतल होती है, उसमें डाल कर ले जाते थे बाहर। तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो ऐसा कहना इसमें बिल्कुल नहीं है कि इसमें जिम्मेदारी हर व्यक्ति की तय होगी, और जिम्मेदारी के साथ साथ सबसे बड़ी चीज है कि अगर किसी भी स्तर पर लापरवाही होगी तो उसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। और ये बड़ा अहम होगा क्योंकि कानून ही एक ऐसी चीज होती है कि जिसके माध्यम से गलत करने वाले के मन में एक भय पैदा होता है, खौफ पैदा होता है, और उसी से हम कहीं ना कहीं एक व्यवस्था का संचालन करते हैं। अगर कानून नहीं होगा तो निश्चित तौर पे एक तरह का कह सकते हैं कि बिना कानून के राज में कुछ भी, मतलब न तो नियमता होगा और कुछ भी, कोई भी कुछ कर ले उसकी जिम्मेदारी तय नहीं हो पाएगी। और कानून से जिम्मेदारी तय होती है, तो मोहन सरकार ने ये तय किया है और इसमें सबकी जिम्मेदारी भी तय है। और ये अध्यादेश अगर लागू होगा तो छात्रों को एक कहीं ना कहीं एक निष्पक्ष परीक्षा की गारंटी भी मिल सकेगी। बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। बता दें आपको कि एक एक्ट तैयार कर रहा है मध्य प्रदेश सरकार, जब अब मध्य प्रदेश में भी पेपर लीक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है, 10 साल की सजा होगी, संगठित अपराध मिलता है तो सजा बढ़ जाएगी, संपत्ति भी जब्त होगी। खास बात यह है कि डीएसपी या असिस्टेंट कमिश्नर के पद से नीचे का अधिकारी जांच नहीं करेगा। सरकार चाहेगी तो एसआईटी भी बना सकती है या केंद्रीय या राज्य की इन्फॉर्मेंस एजेंसी को भी जांच दे सकती है। आपको बता दें कि नीट पेपर लीक की चर्चाओं के बीच मध्य प्रदेश में अब भर्ती परीक्षा या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने की तैयारी में है।